टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलियाई टीम से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कुछ देर पहले हुए मुकाबले में वर्ल्ड नंबर वन टीम ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 से हराया। भारत की ओर से एकमात्र गोल दिलप्रीत सिंह ने किया। ओलंपिक में भारत की उम्मीद बॉक्सर मैरी कॉम ने ओपनिंग राउंड में शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने फ्लाईवेट राउंड ऑफ 32 मुकाबले में डोमिनिका की मिगुएलिना हर्नांडेज को 4-1 से हराया। अब राउंड ऑफ 16 में कोलंबिया की वालेंसिया से मुकाबला होगा। टोक्यो ओलंपिक में शटलर पीवी सिंधु ने जीत से आगाज किया है। पहले राउंड में इजराइल के खिलाड़ी पोली कारपोवा को सीधे सेट्स में हराया। सिंधु ने ये मैच 21-7, 21-10 के स्कोर से अपने नाम कर लिया। दूसरे दौर में उनका मुकाबला हांगकांग की चुंग एन गान से होगा। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा से मेडल की उम्मीद बरकरार है। मनिका ने वुमेन्स सिंगल्स मुकाबले के तीसरे दौर में जगह पक्की की। दूसरे दौर में यूक्रेन की मार्गरेटा पसोटस्का को 4-3 से हराया। मनिका ने शुरुआती 2 गेम गंवाने के बाद मैच में वापसी की। रोविंग में भारत के लिए अच्छी खबर आई। भारत में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में मेंस रोविंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। शुरुआती 1000 मीटर तक चौथे स्थान पर चल रही इस जोड़ी ने बाद में रफ्तार पकड़कर तीसरा स्थान हासिल किया। टेनिस में भारत के हाथ निराशा लगी। महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले ही राउंड से बाहर हो गई। यूक्रेन की जोड़ी ने टाई ब्रेकर में मैच अपने नाम किया। सानिया और अंकिता की जोड़ी ये मैच 6-0, 6-7, 8-10 से हारी। निशानेबाजी में भारत की उम्मीद मानी जा रही मनु भाकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। क्वालिफिकेशन राउंड में पिस्टल में आई खराबी की वजह से मनु महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 12वें स्थान पर रही। वहीं यशस्विनी को 13वां स्थान मिला। ओलंपिक में भारत की अकेली जिमनास्ट प्रणति नायक आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स के फाइनल में जगह बना पाई। पश्चिम बंगाल की प्रणति फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्ट, अनइवन बार और बैलेंस बीम में कुल 42.565 अंक के साथ 29वें नंबर पर रही। ब्रिटेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने ओलंपिक के सिंगल्स मुकाबले से नाम वापस ले लिया है। एंडी मरे के थाई में चोट है। मेडिकल स्टाफ की सलाह पर उन्होंने सिंगल्स नहीं खेलने का फैसला लिया। हालांकि वो डबल्स मुकाबले में हिस्सा लेंगे।